अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो धनिया पुदीना हरा मिर्चा हमारा होता है तो इसको हम कैसे सेव करके अच्छे से स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए फ्रिज में इसको रख सकते हैं ताकि हमारा आने वाले दिनों में जो काम रहे आसानी से हो जाए। तो चलिए अब शेयर करते हैं आपके साथ प्रोसेस। प्रोसेस में सबसे पहले मैं आपको धनिया को कैसे स्टोर कर सकते हैं वो बताऊंगी। तो आप धनिया का जो बंच होता है उसको ले लें और उसको अच्छे से वॉश एंड क्लीन करके, और उसको हम क्या करेंगे कि एक कॉटन का कपड़ा लेके उसको अच्छी तरह से हम उसको सुखा लेंगे। और उसमें हम अगर एक साइड से ना सूखे तो उसमें ऐसा करें कि आप उसमें पूरा रोल करके रैप करके और उसका जो पूरा पानी है उसे हमें सुखा लेना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि कैसे धनिया का जो पूरा पानी है वो पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है, सूख चुका है। तो अब इसे हम क्या करेंगे, अब जो इसका जो ये जड़ आपको दिख रहा है ये पार्ट हमें कट करके यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ मैंने जो जड़ है इसको काट के इसको अलग कर लिया है और लीफ जो है उसको अलग कर लिया है। अब जड़ हटाने के बाद मैंने क्या किया है कि इस तरह का मैंने एक डब्बा लिया है। अब इस डब्बे में मैं धनिया स्टोर करूँगी। अब जो धनिया को है मैंने डब्बे में रख लिया है। अब इसके ऊपर से मैं क्या करूँगी कि एक टिश्यू पेपर से इसको अच्छे से कवर कर दूँगी, इस तरह से कवर करके, और डब्बा मैं पैक कर दूंगी और पैक करके इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा धनिया, जब भी ध्यान रहे कि जब भी आप धनिया निकालें अगर उसमें आपको कोई पत्ता ख़राब दिखे तो उसे तुरंत बाहर निकाल दें। और इस तरह से रखेंगे तो धनिया हमारा महीनों तक चल सकता है, ख़राब नहीं होगा। और ध्यान रहे कि कभी भी गीला हाथ ना लगाएं। अब जैसे हमने धनिया को पैक किया था उसी तरह से सेम प्रोसीजर हमें पुदीना के लिए भी करना है, और उसे भी सील करके हमें डब्बे में रख देना है। अब आती है लेमन की बारी। तो लेमन को भी हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, और वॉश करके इसे भी हमें कॉटन के कपड़े से अच्छे से वाइप करके इसका पूरा पानी सुखा लेना है। और फिर इस तरह से हम क्या करेंगे कि टिश्यू पेपर लेंगे, अगर आपके पास टिश्यू पेपर ना हो तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, और उसमें एक एक नींबू को हम रैप करते जाएंगे अच्छी तरह से, इस तरह से। यहाँ हमने सारे नींबुओं को रैप कर लिया है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस तरह का एक डब्बा लेंगे, आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले सकते हैं, और इस तरह से डब्बे में रख के और इसे हम ढक्कन लगा के रख देंगे। अब बारी आती है हरी मिर्च की। तो आइए अब इसे कैसे करना है बता देते हैं आपको। तो हरी मिर्च को भी हमको वही करना है कि वॉश करके अच्छे से उसका पूरा पानी सुखा लेना है। ये पूरा स्टोरेज में जो आपको बता रही हूँ उसमें बस खासा ध्यान आपको ये रखना है कि जो पानी है वो थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो हर चीज़ का पानी बिल्कुल अच्छे से हमें ड्राई कर लेना है। हरी मिर्ची में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसका जो डंठल होता है उसे तोड़कर अलग कर लेना है हमें। तो इसी तरह से करके हम सारी मिर्चियों के डंठल जो है उनसे अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने हरी मिर्चियों के डंठल अलग कर लिए हैं। तो अब आइए हमें इसे डब्बे में स्टोर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डब्बा लिया है। अब इसमें क्या करूँगी कि इसमें एक टिश्यू पेपर इसमें मैं अरेंज कर दूँगी। इस तरह से टिश्यू पेपर मैंने लगा दिया है। अब इसके बाद हरी मिर्चों को मैं इसमें रख दूँगी। अब इस तरह से हरी मिर्चों को भी ढक्कन लगा के हम रख के इसको महीने भर तक हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। अदरक को भी आपको क्या करना है कि उसका अच्छे से पानी आपको सुखा लेना है, और उसको या तो टिश्यू पेपर में या तो पेपर में लपेट के और एक डब्बे में रख लेना है। तो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये किचन के कुछ यूजफुल टिप्स जो आपके रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लगा मेरा वीडियो आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।